क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में एक कार गिवन है, ठीक है, मान लो ये कार है और उसका स्पीड गिवन है 21.6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो ये सरफेस बता रखा है ये फ्रिक्शन लेस है। इस सरफेस के बाद ये इंक्लाइन पे चलती है और इंक्लाइन का इंक्लिनेशन गिवन है 30 डिग्री, ओके। और ये इंक्लिनेशन लेंथ भी गिवन है अपने को, ये लेंथ है, पूरा लेंथ है 12.8 मीटर। अब क्वेश्चन ये है कि ये ड्राइवर कितने भी हार्ड अगर ब्रेक क्यों ना लगा दे, यहाँ पे जब कार आएगी तब उसकी स्पीड मिनिमम 36 तो होगी, 36 किलोमीटर पर आवर तो होगी, यानी इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना होगा कि मिनिमम स्पीड क्या होगी, 36 होगी यहाँ पे, भले ये ड्राइवर कितना ही ब्रेक लगा दे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो भी क्वांटिटी है उसको सही कन्वर्ट कर दो, जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो ये कितना है, 21.6 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आ जाएगा, 21.6 5/18 कर देते हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो क्या आएगा 5/18 से, 5/18 से ये आएगा 6 आ जाएगा, तो ये 6 मीटर पर सेकंड। और ये कितना आएगा 5/18 से सॉल्व करोगे तो 18 2 ज़ा, तो 5 × 2 10 मीटर पर सेकंड, राइट। तो अब यहाँ पे स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, ये अपने को प्रूफ करना है, ओके। ये फ्रिक्शन लेस है और ये सरफेस फ्रिक्शन वाली है, इसका फ्रिक्शन कोफिशेंट गिवन है 1/2√3, ठीक है। इसका कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इसका जीरो है, तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या रहेगी, इस कार की स्पीड यही रहेगी, ओके। देखो अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई नहीं करता है तो क्या होगा, कार के टायर रोल करेंगे, रोल करेंगे तो और ज़्यादा स्पीड से आएंगे। अगर ब्रेक अप्लाई करेगा तो रोल नहीं करेंगे, सिर्फ स्लिप करेंगे, स्लिप करेंगे तो मिनिमम स्पीड होगी, क्योंकि स्लिप करेगा तो मिनिमम एक्सेलेरेशन होगा, रोल करेगा तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा। तो अगर कार रोल करेगा, अगर टायर रोल करेंगे तो अभी ऐसे ज़्यादा स्पीड होगी, तो हम मिनिमम स्पीड कब करेंगे, जब पूरा ब्रेक लगा रहा, यानी हार्ड ब्रेक लगा दिया, अब कार टायर क्या करें, सिर्फ स्लिप कर रहे हैं, ओके। अब देखते हैं कौन कौन से इसके ऊपर फोर्स है, एक्सेलेरेशन कितना है वो देखते हैं। नीचे एम जी फोर्स है, राइट, ये एंगल थीटा कितना 30 है, तो ये एम जी कोस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, और आगे जा रही कार तो पीछे क्या है, फ्रिक्शन है, ओके। और ये अपना है नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल कितना हो गया, एम जी कोस थीटा, ओके। और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी म्यू एम जी कोस थीटा हो जाएगा अपना फ्रिक्शन, ओके। तो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना, मान लो एक्सेलेरेशन ए है, ठीक है, ए एक्सेलेरेशन, तो ए एक्सेलेरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए एक्स, ये एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन होगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी कोस थीटा, इसमें से ये एम कैंसिल हो जाएगा तो ए आ जाएगा अपना जी साइन थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं, जी की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, माइनस म्यू की वैल्यू है 1/2√3, जी की वैल्यू 10, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30√3/2। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आएगा अपना एक्सेलेरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। इस एक्सेलेरेशन से ये आ रहा है कार, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 12.8 मीटर, तो इससे आ जाएगा अपना फाइनल वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं, थर्ड फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे आ जाएगा। तो अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 6 मीटर पर सेकंड, यानी 6 का स्क्वायर 36, 2, a कितना 2.5, और s कितना है 12.8 मीटर, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो v आएगा, ये पूरा टर्म आएगा 100, तो v आ जाएगा अपना 10 मीटर पर सेकेंड, ये मिनिमम स्पीड होगी, यही था, 10 मीटर को वापस किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे 18/5 से, तो 36 आ जाएगा, ओके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए
तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।